बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मातम वाली तालियों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा खुद मैं अपने चौथे में आ गया आज। खैर, मेरा नाम विभोर चौधरी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। डरा नहीं रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ भाई। और मुजफ्फरनगर की 3 मील बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो गन्ना बहुत होता है तो शुगर मिल, पेपर बहुत बनता है तो पेपर मिल, तीसरा बेटा तू बाहर मिल। मेरे गांव के सारे लोग सच बोलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है शराब पी के लोग सच ही बोलते हैं। और मुजफ्फरनगर का गुड़ भी बहुत फेमस है भाई, वो अलग बात है, मीठा कोई नहीं बोलता। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अभी आजकल एक पिछले दिनों चीज बहुत चल रही थी, लव चार्जर, बाबा राम रहीम, जिसकी बैटरी डाउन हो गई अभी किसी हरियाणा जेल में है। तो भाई मैं बाबा को देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि जिस उम्र में बुजुर्ग आदमी ना हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, ये पट्टा शिलाजीत और जड़ी बूटी लेके गुफाओं से बाहर निकल रहा है। तो भाई ये बैटरी तो चार्ज होनी थी यार फिर। और तो उसने हनीप्रीत की भी ऐसी कर, यार सच्ची में यार अच्छी लग रही थी वो, सच। जब से पकड़ी है ना उन्होंने बेचारे की हालत खराब कर दी। अब मुझे पता चला पुलिस रिमांड क्या होती है, रिमांड ही बोल रहा हूं मैं यार, पुलिस रिमांड क्या होती है। और आजकल ना मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, चढ़ा है मुझे बहुत शौक, चढ़ा किताबें पढ़ने का। मैं अभी बुक फेस्टिवल गया, किताबें पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही। बचपन में मैं पढ़ता था मस्तराम वाले उपन्यास, मस्तराम वाले उपन्यास पढ़ता था। आप देखोगे इंडिया में बहुत भाषा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, लेकिन मस्तराम के उपन्यास की भाषा सबसे अलग है। उसके शब्द कैसे होते हैं, अगर आप पढ़ो ना उसके शब्द कैसे होते हैं, उसके उन्नत उरोज देखकर, इतने भारी शब्द, उसके उन्नत उरोज देखकर ऐसा लगता है किसानों की चौपाल लगी और फसल की चर्चा कर रहे हैं। बहुत भारी भारी शब्द लाएंगे, एक शब्द आता है उसमें वक्षस्थल, ऐसा लगता है भाई राष्ट्रीय धरोहर की बात कर रहा है। और फिर शब्द आएगा उसके गोलाकार नितंब देख, अरे भाई बंद कर यार, ऐसा लग रहा है म्यूजियम की बातें कर रहा है वो, एंटिक बातें करता है। और भाभी का भी मूड बन चुका था, अगले सीन में भाभी का मूड बन चुका था सुरेश को देखकर। भाभी भी पूरी तरह संभोग के लिए तैयार थी और ये देखकर भाभी ने अपने हुक के ब्लाउज खुद ही खोल दिया और वो निवस्त्र हो गई। और अब रवि के पैंट के अंदर एक लावा भड़क रहा था। ये बहनचोद लावा, ज्वालामुखी सब कुछ बता देंगे आपको। उसके बाद ज्वालामुखी अपने चरम पर था और फट गया। भाई इनकी किताब पढ़ के ना आप जियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हो, पट्टा पूरी जानकारी देता है। अब खैर मैं तो नहीं बन पाया कुछ पढ़ लिख के, फिर मैंने प्राइवेट नौकरी करी। प्राइवेट जॉब में क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात, आप भी लोग करते होंगे प्राइवेट जॉब, कोई करता है कोई यहाँ? तो प्राइवेट जॉब के बारे में एक ही बात कहूंगा कि प्राइवेट जॉब लाइक ए अंडरवर्ल्ड, जहां आदमी आता अपनी मर्जी से और जाता बॉस की मर्जी से। आप किसी प्राइवेट ऑफिस में इंटरव्यू देने जाओ ना कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो वो आपको रिसेप्शन पे बैठा देंगे, आपको रिसेप्शन पे बैठा देंगे। सोचो आपके 2 राउंड हो चुके हैं, वो इतने बड़े हरामखोर होते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं बताएंगे, 1-2 घंटा वेट कराएंगे। आपकी फटरी होती है, आप नर्वस होते हो, रिसेप्शनिस्ट भी बोलती है सर बैठ जाइए, लेकिन बैठोगे कहां से, आप तो परेशान हो। आप सोचो आप इतने नर्वस होते हो, आपकी हालत ऐसे होती है, लगता ही नहीं कि आप इंटरव्यू देने आए हो, ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ ना ऑपरेशन थिएटर में एडमिट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। अगर किसी ने आके अंदर से बोल दिया यू आर सिलेक्टेड, तो समझो आपके घर पे लड़का होगा। और अगर किसी ने अंदर से आके बोल दिया यू आर रिजेक्टेड, तो समझो आपकी वाइफ को ना गैस का पेन था, वो प्रेग्नेंट थी नहीं। इतना सस्पेंस बिल्डअप करते हैं हरामखोर। और नए एम्प्लॉई का पहला दिन ऑफिस में कैसा होता है, नए एम्प्लॉई का पहला दिन ऑफिस में ऐसा होता है जैसे चौधरी खानदान की छोटी बहू, जैसे चौधरी खानदान की छोटी बहू परिवार में जाएगी, सबको नमस्ते माँ जी, नमस्ते चाची जी, नमस्ते बुआ जी, ऐसे ही एम्प्लॉई हेलो सर, हाय सर, सबको हेलो हाय विश करता फिरेगा ये। और जो कलीग होते हैं ना कलीग, वो हरामखोर होते हैं देवरानी जेठानी की। जैसे देवरानी जेठानी को परिवार में एक चिंता होती है कि कहीं माँ जी अलमारी की चाबी बहू को ना दे दे, उनको चिंता होती है बॉस यार इस बंदे का प्रमोशन ना कर दे। और जो बॉस होता है ना वो होता है सास की तरह, जैसे सास पूछती है ना बेटी राजमा चावल बना लेती हो क्या, मेहमानों को हैंडल कर लेती हो क्या, ऐसी बॉस पूछता है, झूठ बोल लेते हो, कस्टमर को हैंडल कर लेते, बोला हाँ सब कर लेता हूँ। और जो एचआर वाला होता है ना वो होता है पिताजी की तरह, जैसे पिताजी घर में पॉकेट मनी डिसाइड करते हैं, ऐसे ही एचआर डिसाइड करता है कि आपका इंक्रीमेंट या सैलरी कितनी होगी।
तो एक बार नाना पाटेकर जी भी चले गए उसमें प्राइवेट नौकरी करने के लिए, तो उनको जो सैलरी मिलनी थी वो 23,000 का ऑफर लेटर मिला। अब 23,000 के ऑफर लेटर की जगह जब एक महीना काम किया उनकी सैलरी आई 2300 रुपये, 2300 रुपये। अब नाना पाटेकर सन की आदमी है, वो भड़क गए, जाके आचार को बोल रहे हैं एक एक के गले चीर दूंगा मैं, 23,000 का ऑफर लेटर दिया था, 2300 की सैलरी पकड़ाई है, क्या नाटक मचा रखा है ये। एचआर ने पूछा सर आपको सीटीसी का मतलब पता है? बोला हाँ पता है, कॉस्ट टू कंपनी। बोला नहीं सर, कट टू कट। थैंक यू सो मच।